Hello dear children, a very warm welcome to the EVS class. I'm sure you all are taking good care of yourselves, eating well, eating good food, eating healthy food and following all the safety precautions. Keep yourself masked whenever you go out. Keep washing your hands regularly and do listen to your parents. Take good care of yourself, children. Stay happy and stay safe. This is our EVS class. We are doing chapter number 16, which is the earth and the sky. The earth and the sky. In this chapter we have talked about earth, okay, and then what are the main two components of the earth. Matlab earth pe do kaun kaun si main cheez hai, that is land and water. Earth puri earth jitni hai, puri dharti jo hai hamari, वो लैंड मतलब जमीन एंड वाटर दैट इज पानी से कवर्ड है. पानी बहुत ज्यादा है, वाटर इज 70%, अर्थ इज ओनली, लैंड इज ओनली 30%, एंड उसी पे सारे कंट्रीज हैं, सारे हाउसेस, ऑफिसेस, बिल्डिंग्स, स्कूल, कॉलेजेस, एवरीथिंग इज ऑन द लैंड. फॉरेस्ट, एनिमल्स, प्लांट, ट्रीज, देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन वाटर ऑल्सो. देन we talked about different land forms, different land types. मतलब हर जगह land एक बराबर तो नहीं होती है, बिल्कुल एक सी जमीन तो सब जगह नहीं हो सकती है. कहीं पे जमीन ऊंची होती है, कहीं नीची होती है, कहीं plain होती है. तो जहां पे plain होती है, that is मतलब जो even एक बराबर होती है, so plain जहां पे जमीन होती है वहां पे grass हो सकती है. It may be grassy और it may be sandy. सैंडी मतलब जहां बहुत बालू होती है, सैंड, जिसको कि हिंदी में रेगिस्तान बोलते हैं एंड इंग्लिश में इट इज नोन एज डेजर्ट. डेजर्ट पूरा सैंड से कवर्ड होता है. फिर बहुत जगह जमीन जो है बहुत ऊपर चली जाती है, बहुत ऊंची हो जाती है. सो दैट इज वहां पे जो लैंड फॉर्म है वो दे दैट फॉर्म्स हिल्स एंड माउंटेन्स. हिल्स थोड़े कम हाइट वाले होते हैं, माउंटेन्स जो होते हैं दे आर वेरी हाई. माउंटेन्स बहुत ऊंचे होते हैं, ठीक है. तो लैंड फॉर्म सब जगह सेम नहीं है. कहीं पे सम पार्ट ऑफ द लैंड बिकम रॉकी एंड वेरी हाई. तो जो बहुत ऊंचे लैंड फॉर्म्स होते हैं दे फॉर्म माउंटेन्स एंड हिल्स. इन द पिक्चर यू कैन सी, बुक में आप देख सकते हो हिल्स एंड माउंटेन्स, ठीक है. ऑन पेज नंबर 99, हिल्स, हिल्स आर नॉट वेरी हाई, जो थोड़े कम हाइट वाले होते हैं दे आर नोन एज हिल्स, ठीक है. जो थोड़ी कम हाइट वाले होते हैं तो हिल्स पे फार्मिंग भी होती है, मतलब क्रॉप भी ग्रो करते हैं. हिल्स पे ट्रीज भी मिलते हैं हमें, हिल्स पे लोग रहते भी हैं. माउंटेन्स जो होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं. जैसे आप बोलते हो ना, हम लोग बोलते हैं हिल स्टेशन, शिमला इज अ हिल स्टेशन, मसूरी इज अ हिल स्टेशन, नैनीताल इज अ हिल स्टेशन. मतलब ये जो सिटीज हैं जिनको हम हिल स्टेशंस बोलते हैं, ये एकदम ग्राउंड लेवल पे नहीं है. यहां जाने के लिए हमें ऊंचा जाना पड़ता है, मतलब थोड़ा ऊंचा चढ़ के ऊंचा जाना पड़ता है, रोड भी और ऊंची हो जाती है. तो दे आर नोन एज हिल स्टेशंस. तो हिल्स आर नॉट वेरी हाई, माउंटेन्स आर वेरी हाई. माउंटेन्स पे लोग नहीं रहते हैं, बट ऑफकोर्स हिल्स पे बहुत लोग रहते हैं. जो जैसे हिमाचल वगैरह, हिमाचल प्रदेश है, देन उत्तराखंड है, यहाँ पे लोग सारा, इट इज ऑल हिल स्टेशन. तो लोग जो है वो हिल्स पे ही रहते, पहाड़ों पे ही रहते. ऑफकोर्स वो उतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं है, नीचे पहाड़ होते हैं, ठीक है. तो वहां पे क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं, फार्मिंग भी होती है, खेती भी होती है, अलग अलग एनिमल्स मिलते हैं, लोग भी रहते हैं. जो माउंटेन्स होते हैं दे आर वेरी हाई एंड देयर पीक्स आर ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर कवर्ड विथ स्नो. सिंस वो इतने ऊंचे होते हैं तो उनकी जो पीक्स होती है वो ऑलमोस्ट मतलब पूरे साल वो बर्फ से ढकी रहती है. एंड जो बर्फ में देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जो बर्फ में जो एनिमल्स मिलते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स विच आर फाउंड ऑन लैंड. जैसे स्नो बेयर है, पोलर बेयर होता है, स्नो लेपर्ड है,
these animals can live in snow. Otherwise, जो regular जो land पे जो जानवर रहते हैं वो इस तरह के climate में इतने बर्फ वाली जगह पे नहीं रह सकते. ठीक है, वहां पे जो trees होते हैं they are also different. Then we discussed about water bodies. Water bodies का मतलब है जो पानी वाली जो जगह हैं, जैसे sea, ocean, river, lake, ponds. These are all known as water bodies. Water bodies मतलब पानी वाली जो जगहें होती हैं, ठीक है? इसमें हमें बहुत तरह की they are also very helpful for us. अगर पानी नहीं होगा तो अगर जमीन पे पानी नहीं होगा तो बारिश भी नहीं होगी. इसीलिए देखा है ना गर्मी में थोड़ी वाटर की बहुत शॉर्टेज हो जाती है बिकॉज ऑफ हीट. जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, दे ऑल ड्राई अप. जो वेल्स कुएं होते हैं वो सब सूख जाते हैं. रेनी सीजन में जब बहुत बारिश होती है तो ये भर जाते हैं पूरे, उसके बाद फिर गर्मी में ड्राई हो जाते हैं, तो इसलिए कई बार पानी की बहुत शॉर्टेज हो जाती है. तो जो जमीन पे जो पानी होता है वो सन की गर्मी से वो इवेपोरेट होके, मतलब पानी जो है वो भाप बन के ऊपर आसमान में चला जाता है. फिर जब बहुत सारे ड्रॉप्स कलेक्ट हो जाते हैं तो वो क्लाउड बनाते हैं एंड दे फॉल एज रेन. बारिश होती है तो वो पूरा ऐसे करके साइकिल चलता रहता है. ठीक है, तो वाटर बॉडीज आर वेरी हेल्पफुल टू अस. अधिकतर जगह पे जो लेक्स है, रिवर्स है, वहीं से हमको पानी मिलता है, जो हमें सप्लाई होती है पानी की. द वॉटर विच वी यूज एट होम, ऑफकोर्स वी डू नॉट गेट इट डायरेक्टली. पहले वहां से वॉटर प्लांट में भेजते हैं, वहां पे मतलब उनको क्लीन करके, पानी को क्लीन करके देन दैट इज सेंड टू आवर होम्स. फिशरमैन जो मछुआरे होते हैं दे गो टू सी टू कैच फिश, मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं. डिफरेंट वॉटर स्पोर्ट्स आर देयर. देन द स्काई, या तो जमीन है या आसमान है, बीच में हम लोग रहते हैं. तो जमीन के नीचे क्या है यह हमें नहीं पता, आसमान के पीछे क्या है, आसमान के ऊपर क्या है, दैट ऑल्सो वी डू नॉट नो. वी से स्वर्ग में चले गए, अब हमको तो पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, वी डू नॉट नो. बट आसमान एक एक्सट्रीम है, जमीन एक एक्सट्रीम है. जमीन के नीचे भी नहीं मालूम, आसमान के पीछे भी नहीं मालूम. तो स्काई कैसा हमें दिखाई पड़ता है, वी सी ब्लू स्काई. जब क्लियर ब्राइट सनी डे होता है तो वी कैन सी ब्लू स्काई, ब्लू कलर का स्काई पूरा दिखता है. वी कैन सी व्हाइट क्लाउड्स ऑल्सो. और दिन में जब ब्राइट सनी डे होता है तो वी सी ब्राइट सन ऑल्सो ड्यूरिंग द डे. दिन में हमें सन भी दिखाई पड़ता है. और इन द नाइट वी सी मून्स एंड स्टार्स. एंड जैसा मैंने पहले बताया था कि मून्स एंड स्टार्स एवरीथिंग इज देयर इन द स्काई, बट द सन्स लाइट इज सो ब्राइट, इतनी तेज होती है कि एवरीथिंग इज हिडन स्काई में, और जितनी चीजें हैं सब छुप जाती हैं. इसीलिए देखो जिस दिन सन अगर नहीं निकलता है, इफ इट इज क्लाउडी स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन, अगर क्लाउडी होता है, अगर बारिश वाले क्लाउड होते हैं तो सन नहीं निकलता तो कितना डार्क डार्क सा अंधेरा अंधेरा बिल्कुल लगता है. एंड व्हेन द सन कम्स आउट इतना ब्राइट एंड सनी हो जाता है, रोशनी हो जाती है. सो व्हेन द सन सेट्स इन द इवनिंग देन वी सी मून एंड द स्टार्स इन द स्काई. वी ऑल नो सन राइजेस इन द ईस्ट. राइजेस का मतलब ऐसा नहीं कि इधर से ऐसे निकला और उधर जाकर के अंदर छिप गया. डे एंड नाइट होता है कैसे, जो अर्थ हमारी है वो सन के चारों तरफ घूमती है, तो उसके घूमने से डे एंड नाइट होता है. ठीक है, तो जब सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाते लगाते जब मॉर्निंग में जो अर्थ का, जो हमारी कंट्री इंडिया का, तो जो ईस्ट वाला पार्ट है वो सबसे पहले सन के आगे आता है. तो इसीलिए हमें लगता है कि सन राइजेज इन द ईस्ट. एंड जब अर्थ रोटेट करते करते शाम को जब सन के पीछे जाने लगती है तो हमारे कंट्री का जो वेस्ट वाला हिस्सा है वो आता है. तो वी से सनसेट्स इन द वेस्ट. ओके, देन रात को हम बहुत मून एंड स्टार, रात को हम स्काई में मून देखते हैं, लॉट ऑफ स्टार्स आर देयर. देन समटाइम्स वी सी क्लाउड्स इन द स्काई. क्लाउड मतलब जिसको हम बादल बोलते हैं. जब व्हेन इट इज क्लियर एंड ब्राइट देन वी सी व्हाइट क्लाउड्स. एंड जब रेनी सीजन होता है, रेनी बारिश का जब टाइम होता है, तब जो हमको स्काई दिखाई पड़ता है, सॉरी जो क्लाउड्स दिखते हैं दे आर ग्रे इन कलर, डार्क डार्क ब्लैक ग्रे से क्लाउड्स होते हैं. एंड दीज क्लाउड्स कॉज रेन.
ये वाले जो क्लाउड्स होते हैं इन्हीं से बारिश होती है, ठीक है ना। जब बारिश होती है इट बिकम्स रेनी डे, और जब धूप रहती है तो इट इज सनी डे। एंड बहुत बार सन बारिश के बाद वी सी रेनबो ऑल्सो इन द स्काई। रेनबो कैसे फॉर्म होता है ये भी मैंने बताया था कि जब बारिश के बाद देयर आर लॉट ऑफ वॉटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमोसफियर, उसपे जब सन की रेस पड़ती है देन वी सी रेनबो इन द स्काई। RAINBOW रेनबो, एंड इन रेनबो देयर आर 7 कलर्स विच आर नोन एज विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, सो दिस वॉज द चैप्टर, आई हैव रिवाइज इट वंस, नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। ओके, EXERCISES, exercises. The first is tick the right answer. Tick the right answer. First is the biggest water body is, and the options are river, A is river, B is lake, and C is ocean. Which is the biggest water body? Biggest मैंने बताया था सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा मतलब आउट ऑफ रिवर, लेक एंड ओशंस। रिवर, लेक और ओशन में सबसे बड़ी वॉटर बॉडी कौन सी है? रिवर मतलब नदी, लेक, लेक मतलब झील, नदी बहती रहती है, झील जो होती है, लेक होती है, वो कलेक्टेड जैसा वॉटर होता है, एक जगह रहता है। एंड ओशन सबको मालूम है, ओशंस आर वेरी बिग, ह्यूज, जिसको हिंदी में हम महासागर बोलते हैं। सो ऑब्वियसली आउट ऑफ दीज थ्री द बिगेस्ट वॉटर बॉडी इज सी, दैट इज OCEANS, ओशंस। ओके, बी इज, सेकेंड इज वी सी द ब्लू स्काई फार अबव द, ऑप्शंस आर ए अर्थ, बी सन, एंड सी स्टार्स। वेयर डू वी सी ब्लू स्काई? वी सी ब्लू स्काई फार अबव द, फार अबव द का मतलब है बहुत ऊंचा, फार मीन्स दूर एंड फार अबव द मतलब बहुत दूर और बहुत ऊंचाई पे। तो हमें जो ब्लू स्काई है वो किससे बहुत ऊंचा दिखता है, किससे बहुत दूर दिखता है? अर्थ से या सन से या स्टार से? सन एंड स्टार्स ये तो ऑलरेडी स्काई में ही है, सन एंड स्टार्स तो पहले से ही स्काई में ही है, जमीन पे तो है नहीं। सो वी सी द ब्लू स्काई फार अबव द अर्थ, हमको जमीन से बहुत दूर दिखता है ना जो स्काई है, दैट इज वेरी 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 फार अवे फ्रॉम द अर्थ, कितना डिस्टेंस है नहीं मालूम। जो क्लाउड्स होते हैं बादल, जब हम कहीं बहुत हाइट पे कहीं हिल स्टेशन पे जाते हैं तो बहुत बार क्या होता है जो क्लाउड्स होते हैं वो बहुत नीचे आ जाते हैं, एंड यू व्हेन यू फील देम मतलब वो नीचे आ जाते हैं, आपको लगता है कि हम बादल को, वी कैन टच देम, एंड व्हेन यू टच देम यू कैन फील ओनली वॉटर। जैसे मैंने बताया कि जो क्लाउड्स होते हैं वो दूर से देख के लगता है ना कि कॉटन रुई रुई जैसे बिल्कुल दिखाई पड़ते हैं जब बिल्कुल ब्राइट सनी डे होता है। सो हिल स्टेशन पे जब जो लोग रहते हैं वो बहुत बार होता है कि क्लाउड्स जो है बिल्कुल वो नीचे तक आ जाते हैं, तो व्हेन यू फील देम योर हैंड्स विल गेट वेट, हाथ भीग जाते हैं, बिकॉज दे आर नथिंग बट एक्चुअली वॉटर होते हैं। सो स्काई जो है, स्काई कितनी दूर है, कहाँ है, क्या है, वी डू नॉट नो। सो वी सी द ब्लू स्काई फार अबव द अर्थ। थर्ड इज
options are A is they, B is clouds, clouds, and C is night, night, night. Cloud माने बादल, day is दिन, night is रात. तो बारिश कैसे होती है, what cause rains? मैंने अभी जब चैप्टर पढ़ाया तो उसमें बताया था कि जो क्लाउड्स होते हैं दे कॉज रेन. कैसे रेन करते हैं? बादल जो होते हैं दे आर एग्जैक्ट एक्चुअली जो वॉटर पानी की जो बूंदे होती हैं वो बहुत सारी कलेक्ट हो जाती हैं. एंड जब बहुत सारी बूंदे हो जाती हैं व्हेन इट बिकम्स वेरी हैवी देन दे फॉल डाउन एज रेन. जब बहुत हैवी हो जाती है तो पानी की तरह नीचे गिर जाती है. ठीक है, तो जो क्लाउड्स होते हैं जो रेनी क्लाउड्स रेनी डे में जो बिल्कुल ग्रे ग्रे से काले काले से क्लाउड्स दिखते हैं ना, अभी जैसे आप क्लाउड देखोगे तो यू विल सी दैट दे आर एब्सोल्युटली व्हाइट. अभी जो आप क्लाउड्स देखोगे वो बिल्कुल व्हाइट व्हाइट दिखेंगे, लेकिन जो बारिश के दिन में जो क्लाउड्स दिखते हैं वो आप देखोगे तो ग्रे ब्लैक से क्लाउड दिखते हैं. और जब देखते हैं बहुत ज्यादा हम कहते हैं मेरे बाप रे कितनी बदली हो गई है, कितना क्लाउडी है, बहुत तेज बारिश होगी. एंड उसके बाद देखो कितनी तेज बारिश होती है. तो क्लाउड्स कॉज रेन, करेक्ट आंसर है clouds. Don't do it in your book, children. Everyone has done, I hope. Then B is put or take. Put or take. Against. Against the right statement. Against the wrong statement. Statement का मतलब होता है कोई sentence, जैसे किसी ने कोई बात जो बोली हो उसको कहते हैं statement. Put a tick against the right statement and cross against the wrong statement. मतलब जो statement अगर right है तो उसके आगे हमें tick लगाना है. एंड अगर गलत है, गलत मतलब जो भी सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, इफ इट इज राइट देन वी हैव टू पुट अ टिक एंड इफ इट इज रॉन्ग देन वी हैव टू पुट अ क्रॉस. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द स्टेटमेंट्स. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट का मतलब होता है स्टेटमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम सेंटेंस. लाइक व्हेन वी टॉक टू ईच अदर हम वाक्य बोलते हैं. स्टेटमेंट का मतलब होता है व्हेन समबडी सेज समथिंग और कोई फिक्स चीज है. जैसे वी से द सन राइजेज इन द ईस्ट, सो दैट इज फिक्स. मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं सन ईस्ट में नहीं राइज होता है. सो दैट इज अ स्टेटमेंट. वी से द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट. माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक. दीज आर स्टेटमेंट्स. ठीक है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता. द सन राइजेज इन द वेस्ट. द सन राइजेज, राइजेज का मतलब है उगना एंड सेट्स मतलब डूबना. जैसे मैंने बताया था कि ये जैसे सन होता है ना, दिस इज द सन, और जो हमारी अर्थ है वो इसके चारों तरफ सन के चारों तरफ ऐसे करके रोटेट करती है. ठीक है, तो अर्थ पे सारे कंट्रीज, तो अर्थ पे, तो अर्थ पे जो हमारी कंट्री है इंडिया, जब इंडिया जो है वो वाला पार्ट जब अर्थ सन के सामने आता है देन डे इज देयर, तब हमारे यहाँ डे होता है. तो जब बहुत सारे कंट्रीज में डे होता है बहुत सारी कंट्रीज में नाइट होती है. एंड रोटेट घूमते घूमते
जब हमारी कंट्री सन के पीछे साइड में चली जाती है देन इट बिकम्स डार्क हियर। तो जिन कंट्रीज में रात होती है फिर वहां सुबह हो जाती है। तो क्या होता है कि सन जब अर्थ घूमते घूमते जब सन के सामने आती है रात के बाद फिर सुबह आती है, तो जब अर्थ रोटेट करते करते सन के सामने आती है तो हमारी जो कंट्री है चार डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो जो ईस्ट वाला पार्ट है वो सबसे पहले सन के आगे आता है, तो ईस्ट वाले जो स्टेट से वहां सबसे जल्दी सुबह होती है, वहां बहुत जल्दी लाइट एकदम सुबह सुबह 4 बजे एकदम रोशनी हो जाती है। एंड फिर जब अर्थ रोटेट करते करते जब सन के पीछे जाने लगती है तो जो ईस्ट के ऑपोजिट जो वेस्ट वाला साइड है वो सबसे बाद में मतलब सन के पीछे आता है, उसके बाद अर्थ पूरी सन के पीछे चली जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट। मतलब सन तो अपनी जगह है, सन उगता या डूबता नहीं है, बट वी से इट, ठीक है, सन की तो अपनी जगह है, सन फिक्स है। ऐसा नहीं कि सन सुबह ऐसे करके पॉप करके निकल आया और शाम को पॉप करके अंदर चला गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सन तो अपनी जगह पे फिक्स है, दैट इज बिकॉज ऑफ जो अर्थ सन की चारों तरफ जो रोटेट करती है। तो वी से सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट। तो दिस स्टेटमेंट द सन राइजेज इन द वेस्ट इज रॉन्ग, गलत है। सो वी विल पुट अ क्रॉस हियर। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज लैंड कवर्स मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। लैंड कवर्स मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, मतलब लैंड जो है जो धरती है वो अर्थ इज पृथ्वी। अर्थ एंड लैंड दीज आर डिफरेंट, अर्थ इज पृथ्वी और लैंड इज जमीन। तो लैंड जो है वो अर्थ का मोस्ट मतलब ज्यादा, स्टेटमेंट का मतलब है लैंड कवर्स मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट जो जमीन है वो पृथ्वी का ज्यादातर पार्ट कवर करती है। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू है कि फॉल्स है? दिस इज फॉल्स बिकॉज वॉटर कवर्स मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। मैंने बताया था ना कि वॉटर कवर्स 70%, ठीक है, वॉटर कवर्स 70% पार्ट एंड लैंड कवर्स ओनली 30%। लैंड जो है वो सिर्फ 30% पार्ट कवर करती है, वॉटर जो है वो 70% पार्ट कवर करता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। द सन राइजेज इन द वेस्ट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड लैंड कवर्स मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो पुट दिस क्रॉस इन योर बुक्स, बुक में अपना करो ये। नाउ नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग, दिस इज सी। आंसर द फॉलोइंग, एफ ओ एल एल ओ डब्ल्यू आई एन जी। फॉलोइंग मतलब दिए हुए, हिंदी में इसको कहते हैं निम्नलिखित। फर्स्ट इज नेम द कवरिंग ऑफ द अर्थ। नेम द कवरिंग ऑफ द अर्थ, दिस मीन्स अर्थ की कवरिंग, मतलब अर्थ जो है वो किससे ढकी हुई है। कवरिंग मतलब किसी भी चीज की कवरिंग, मतलब वो किससे ढका हुआ है। जैसे जो बहुत सारी चीजों के छिलके होते हैं तो वी से आउटर कवरिंग। तो अब बताओ कि नेम द कवरिंग ऑफ द अर्थ। लैंड अर्थ की जो कवरिंग है, हमने बिल्कुल बिगिनिंग में पढ़ा था ना कि वी लिव ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, its shape is like an orange and it is covered by layers of air। ये हमने बिल्कुल बिगिनिंग में पढ़ा था ना। एंड अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वॉटर, ठीक है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नेम द कवरिंग ऑफ द अर्थ, द
लेयर्स ऑफ एयर। बिल्कुल बिगिनिंग में हमने इस चैप्टर के बिल्कुल शुरू में ही पढ़ा था कि शेप ऑफ अर्थ इज लाइक एन ऑरेंज एंड इट इज कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ एयर। ठीक है, अभी आप जब और सीनियर क्लासेस में जाओगे देन यू विल नो अबाउट दीज लेयर्स ऑल्सो। इन लेयर्स का क्या क्या नाम है, क्या बोलते हैं, क्या क्या सबका फंक्शन होता है, दैट यू ऑल विल नो। सो देन द कवरिंग ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ एयर। ठीक है, हवा की लेयर्स मतलब परत। ठीक है, नाउ सेकेंड इज नेम थ्री अर्थ फॉर्म्स। नेम थ्री अर्थ फॉर्म्स, अर्थ के जो थ्री फॉर्म्स है उसके नेम। तो जैसे हमने लैंड टाइप पढ़ा ना, प्लेन लैंड है, प्लेन लैंड कैन बी ग्रासी और सैंडी, तो प्लेन लैंड है, अब उसमें चाहे वो ग्रासी हो चाहे सैंडी हो। देन हिल्स एंड माउंटेन्स, तो द थ्री अर्थ फॉर्म्स आर PLAIN, plain land, hills and mountains. Write in your book, children. Write the answer in your book. Written, everyone has written. These are the three earth forms. और भी है, we have discussed about these three only. Okay? Then question number three is, why can we not see stars during the day? Rub कर दू ना, आई थिंक एवरी वन हैज रिटन। क्वेश्चन नंबर थ्री इज Why can we not see stars? Why can we not see stars during the day? मतलब हम stars को दिन में क्यों नहीं देख सकते? Why can we not see stars during the day? ठीक है, हम दिन में stars को क्यों नहीं देख सकते? We cannot see stars. We cannot see stars during the day. बिकॉज ऑफ, ये हमने पढ़ा था ना द स्काई में, वी कैन नॉट सी देम ड्यूरिंग द डे ड्यू टू द ब्राइट सन। वी कैन नॉट सी स्टार्स ड्यूरिंग द डे ड्यू टू द BRIGHT, ब्राइट सन। दिन में सन इतना ब्राइट रहता है, इतना तेज रहता है, इसीलिए हम स्काई में और जो भी चीजें होती हैं कुछ भी हम नहीं देख पाते। शाम को वे द सनसेट्स, देन वी कैन सी, देन वी सी स्टार्स एंड मून। राइट द आंसर चिल्ड्रन। नाउ हॉट क्वेश्चंस आर देयर, राइट टू स्टेप्स टू प्रोटेक्ट अवर अर्थ and write two ways to protect our water bodies. Achha, okay children, these we will hots and life skill. We will discuss in the next class.
इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल, दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, ओनली हॉट्स एंड लाइफ स्किल्स आर नेक्स्ट आर लेफ्ट, सो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो टुडे आई विल स्टॉप हियर चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।